पर फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 कक्षा 12, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व कर लिए थे पीछे की क्लास में। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए इंटू ए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 इंटू ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास यही है सेम 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। करना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इधर किसमें चलेंगे? रो में। इधर किसमें चलेंगे? कॉलम। 2 का 2 से हुआ 4, 0 का 2 से हुआ 0, 1 का 1 से होगा 1, ऐसे चल रहे हैं अपन। 2 का 0 से हुआ 0, 0 का 1 से हुआ 0, 1 का -1 से -1, ऐसे ही 2 का किससे होगा 1 से 2, 0 का 3 से होगा 0, 1 का 0 से होगा 0, 2 का 2 से हुआ 4, 1 का 2 से हुआ 2, 3 का 1 से हुआ 3, 2 का 0 से हुआ 0, 1 का 1 से हुआ 1, 3 का -1 से हुआ -3। सेम ऐसे ही 2 का किससे होगा 1 से 2, 1 का 3 से, 3 का 0 से, 1 का 2 से, -1 का 2 से, 0 का 1 से, 1 का 0 से, -1 का 1 से, 0 का -1 से, 1 का 1 से, -1 का 3 से, तो क्या हो जाएगा -3, और 0 का 0 से। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर का मान निकल के आएगा वो क्या आ गया है? हमारे पास आ गया है 4 प्लस 1 5, -k1 प्लस k2, 4 प्लस 2 6 प्लस k3 9, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 2 माइनस 2 0, -1 माइनस k2। ये हमारे पास किसका मान आया? ए स्क्वायर का मान। हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या है, ये इक्वेशन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 आई करना है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस का 2, फिर माइनस 5 इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, फिर आगे क्या रहा? प्लस का 6 आई, प्लस 6 आई क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इधर देखिए, इधर 5, ये 5 है मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 10, प्लस का 5 माइनस का 10, माइनस का 5 बचा प्लस का 6, कितना आ गया? प्लस का 1 आ गया, माइनस 1 0 0, कितना आ गया? -1, 2 माइनस की 5, -3 प्लस 0, कितना आ गया? -3, 9 माइनस के 10, -1 बचा +0, तो -1, -2 माइनस के 5, -7 +6, -7 प्लस 6, -1 बचा 5, -15, तो माइनस का क्या बचा? 10, उधर 0 है, 0 माइनस 5 0, -5 आ जाएगा, -1 प्लस के 5 +4, आगे क्या है? 0, -2 0 +6, -2 प्लस का 6 क्या जाएगा? +4। ये हमारा क्या जाएगा? RHS जो हमें निकालना है आंसर। ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई की वैल्यू क्या जाएगी? ये क्या क्या है? सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालना है, 5 को ए से मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के उसके सभी एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस वहाँ क्या कर देंगे? प्लस। पीछे वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।